नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार धनु राशि के लिए विचार करेंगे। धनु राशि वाले जितने भी व्यक्ति पर्सन जो भी है उनका ऊपर विचार करेंगे कि भाई इनकी कुंडली में जो शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं, मैंने जैसे बोला वैसे 18/4 से 6/9 तक, तो इनके लिए 142 दिन का जो सफ़र है वो कैसा रहेगा, इनके लिए शनि महाराज क्या वक्री शनि क्या फल देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि शनि आखिर इनकी कुंडली में 7.5 का प्रभाव लेके बैठे हुए हैं। 7.5 का इनकी कुंडली में सेकंड पड़ा हुआ है अभी, और ढैया एक ढैया पूरी हुई है इनकी और दूसरी ढैया अभी चल रही है। तो इनके चंद्र के ऊपर शनि का जो ब्रह्मन है वो कैसा रहेगा, अगर वक्री होते हैं शनि महाराज तो वो क्या फल देते। सबसे पहले इनके जो मन मस्तिष्क है उनको विवेक डिस्टर्ब करना शनि महाराज का काम रहेगा। शनि महाराज आखिर चंद्र के ऊपर जो चल रहे हैं तो उनका जो मन मस्तिष्क है वो कैसे विवेक रहे, वो कैसे डिस्टर्ब रहे, वो उनको पहले ड्यूटी दी गई है कि भाई इनका मन मस्तिष्क आपको डिस्टर्ब करना है, मन मस्तिष्क उनका आपको ख़राब करना है। तो ये शनि महाराज का सबसे पहला काम है, वो इनको डिस्टर्ब करेंगे। तो इनको पहले एक एडवाइस मेरी है कि भाई आप अपने मन मस्तिष्क को पहले फ्रेश रखिए, ज़्यादा नेगेटिव विचार मत कीजिए, ज़्यादा नेगेटिव सोच मत रखिए। वो नेगेटिव सोच रखने से आपके कई काम बिगड़ सकते हैं, कई काम बनते हुए काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपकी सोच को पॉजिटिव रखिए और अच्छे ही हिसाब से सोचे, कोई नेगेटिव ज़्यादा विचार मत करें, डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि शनि महाराज का यहाँ आपके चंद्र के ऊपर ब्रह्मन आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकता है, आप कई नेगेटिव काम भी करवा सकता है, कई नेगेटिव थिंग्स भी आपके साथ बन सकती है। इसलिए यहाँ का शनि का जो वक्री ब्रह्मन है वो इतना फलदायी नहीं है, मेन आपकी बॉडी के ऊपर चल रहा है, तो आपको मेन अपने बॉडी को संभालना पड़ेगा, आपके मन मस्तिष्क को ठीक रखना पड़ेगा, तभी ये सब काम आपके अच्छे होंगे। इसलिए यहाँ शनि महाराज की जो नज़र है वो इतनी अच्छी नहीं गिनी जाती। सप्तम स्थान पर जो नज़र है उनकी वो पार्टनर से लगती चीज़ों में भी आपके डिस्टर्बेंस ला सकता है, पार्टनर आपसे रूठ सकता है, या बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, दोनों से आपका मन मोटा हो सकता है, रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको पहले से सतर्क रहना है, पहले से ही आपको अच्छी सोच रखनी है, पहले से प्रिकॉशन लेने हैं। शनि के जो प्रिकॉशन है, शनि का जो मंत्र है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका रटन कीजिए। ओम शन शनेश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनेश्चराय नमः, ये वैदिक मंत्र है, उसका भी आप जाप कर सकते हो। आप रोज़ की एक माला करें तो काफ़ी आपको इसमें चेंजेस आएंगे, आपके पॉजिटिव थिंक ज़्यादा आपसे बनने लगेगी। इसलिए यहाँ का शनि आपको 142 दिन तक काफ़ी शांति से, संयम से, धीरज से आपको काम लेना है। और ऐसे कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।